नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है नींद, तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यह जानें, जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत वेला है। अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे, वेला का मतलब होता है समय। अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है, जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत वेला अर्थात वह वेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आता है, और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। अमृत वेला के समय इस आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से उस समय प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। रात के 3 बजे क्यों नहीं उठाना चाहिए? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 3 से 5 सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांतचित से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं, या अपनी अच्छी विचारों को अपने जीवन में कैसे उतरना है उसका चिंतन कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन इस समय जाग रही, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है 3 से 5 भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती है। उस समय आप जाप करते और भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती हैं, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती हैं कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपके इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। यह शक्तियां क्या है? यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई, जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियां परमात्मा है, जो चाहते हैं आप सुबह उठे। और भी सरलता से समझे, परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए, अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है जब बेटा यह काम कर या कुछ भी उससे बातें करती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद आ जाती। सुबह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है, यह समय परमात्मा के भक्तों का समय है, यह समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व व फल। सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। वर्ण कीर्तन मत लक्ष्मण स्वास्थ्यमायुश्च विन्दति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत क्षरियम व पंकजम यथा भैषाज 93। अर्थ, ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातःकाल सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है।
प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।